पब्लिक टीवी आपकी आवाज। कोरोना महामारी की मार झेल रहे उत्तर प्रदेश के लिए अब राहत भरी खबर सामने आ रही है। जहां कोरोना संक्रमण की रफ्तार में तेजी के साथ कमी आई है, तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने ब्रास इंडस्ट्री को मिलने वाली ऑक्सीजन गैस की सप्लाई भी आज से शुरू कर दी है और शुरू करते हुए कोरोना काल में बड़ी सौगात भी दी है, जिसका एक्सपोर्ट एसोसिएशन के महासचिव होने के नाते अवधेश अग्रवाल ने एक्सपोर्टर्स की तरफ से योगी और मोदी सरकार का धन्यवाद देते हुए आगे भी उनके साथ खड़े होने की बात कही है। दरअसल मुरादाबाद की ब्रास इंडस्ट्री को मिलने वाली ऑक्सीजन एक महीने पूर्व कोरोना महामारी के चलते बंद कर दी गई थी, जिसे आज से बहाल किया गया है। एक्सपोर्ट एसोसिएशन के अनुसार उन्हें अभी 30% ऑक्सीजन मिलनी शुरू हुई है। इससे ब्रास इंडस्ट्री को चलाने का मौका मिला है। जो ऑर्डर लंबे समय से अधूरे पड़े हुए थे, अब उन्हें पूरा करके काम को आगे बढ़ाया जाएगा। यह प्रयास राज्यसभा सांसद जफर इस्लाम के प्रयास से ही संभव हो पाया है। इंडस्ट्री शुरू होने से कर्मचारियों और मजदूरों में खुशी की लहर है। लगभग एक माह से कोरोना के कारण उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इंडस्ट्री या अन्य किसी भी काम के लिए ऑक्सीजन को बैन कर दिया गया और हम लोगों ने भी उसको सहयोग किया था कि सबसे पहले लोगों की जान बचाना जरूरी है। और वर्तमान में अभी कल ही हमने ये प्रयास किया मुख्य सचिव द्वारा और माननीय जफर इस्लाम जो राज्यसभा सांसद हैं और जिनके अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार ने मुरादाबाद दिया हुआ है, उनके साथ हमने सहयोग करके मुख्य सचिव से वार्ता कर कल ही शाम डीएम साहब को ये आदेश कराए कि अब निर्यातकों को और आर्टिजन्स को और कारखानेदारों को गैस मुहैया कराई। जिलाधिकारी महोदय के अनुसार 24 घंटे में जितनी उपलब्ध है उसका वो 30% लेंगे और निर्यात में 8 घंटे के लिए वो पर्याप्त होगी, क्योंकि 24 घंटे में 8 घंटे काम होता है, तो इसलिए 30% में भी निर्यातक अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। और अगर थोड़ी बहुत कम भी रहेगी तो ज़रूरी काम हो पाएगा, यही सबसे बड़ी बात है। देखिए, समस्या पूरा जो निर्यात हस्तशिल्प निर्यात है मुरादाबाद का, वो वेल्डिंग आधारित है, जिसमें ऑक्सीजन का एक बहुत बड़ा रोल है। हम कोई भी क्रिसमस आइटम बनाते हैं, मेटल का आइटम बनाते हैं, लोहे का आइटम बनाते हैं, तो उसमें जो हमें जोड़ लगाने पड़ते हैं उसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है। जैसे ही ऑक्सीजन ये बंद की गई सरकार के द्वारा, तो माल लोगों के आधे अधूरे पड़े रहे, किसी की टांग नहीं जुड़ी थी, किसी का हाथ नहीं जुड़ा था, तो इसलिए बहुत बड़ी समस्या थी। अगर सरकार द्वारा ये निर्णय नहीं लिया जाता तो बहुत मजदूर इसमें बेरोजगार हो जाते। इसमें उत्तर प्रदेश शासन की प्रशंसा करूंगा कि उन्होंने इतनी जल्दी ऑक्सीजन की उपलब्धता करके और हमारी मांग पर निर्यातकों को कल के कल रविवार के दिन ही ये राहत प्रदान की है। और मैं ये भी कहूंगा सरकार से कि कभी भी आगे ज़रूरत पड़ेगी तो वो इसको विड्रॉ कर लें, सबसे पहले मरीजों को दें और उसके बाद निर्यात। ये मेरे देखने का नहीं है, ये पूरा उत्तर भारत जानता है, उत्तर प्रदेश जानता है कि 80% तक कोरोना के केसेस कम हुए हैं इस 15 दिन के अंदर। जहाँ तक मेरी जानकारी है, कल 45 मरीज थे और ये मरीज 1500 से 2000 तक पहुँच गए, तो प्रशंसा के पात्र हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी हमारी है कि हम 2 गज दूरी, मास्क जरूरी और सैनिटाइजर का पालन करें और वैक्सीनेशन कराएं, मेरा सभी को ये है। और इसके साथ ही हमें जीना भी और काम भी। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।